खबर जयपुर ग्रामीण के फुलेरा से है, जहां विधानसभा व लोकसभा के चुनाव भी हो चुके हैं, लेकिन चुनावों के दौरान जनहित के लिए बड़े बड़े वादे करने वाले जनप्रतिनिधियों की वादा खिलाफी के चलते आज भी आम जन अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, जिसके चलते आज भी आम जन को मूलभूत सुविधाओं से महरूम होना पड़ रहा है। फुलेरा के अंबेडकर सर्किल बस स्टैंड पर स्थानीय पूर्व विधायक निर्मल कुमावत के अनुशंसा पर 2017-18 में मुख्यमंत्री बजट घोषणा में बने सुलभ शौचालय की आज बेकदरी देखी जा सकती है। उक्त शौचालय का निर्माण करीब 30 लाख रुपए से किया गया था, फिर भी आमजन को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। आज इस सुलभ शौचालय में चारों ओर गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, जिसको लेकर आमजन सहित बाहर से आने वाले यात्री भी स्थानीय नगर पालिका प्रशासन व जनप्रतिनिधियों को कोसते भी नजर आ रहे हैं। नगर पालिका में अभी टेंडर खत्म हो चुके हैं, इनकी तो सफाई व्यवस्था बाधित है, परंतु नगर पालिका द्वारा इनकी जो टेम्परेरी व्यवस्था है वैसे भी करवाई जा रही है। इनमें थोड़ी बहुत जो खामियां हैं, जैसे कईयों में नल टूटी वगैरह नहीं है, उनको भी नगर पालिका द्वारा 2-3 दिवस में दुरुस्त करवा कर सुचारू इनको सबको सुचारू करवा दिया जाएगा। उसको लेकर आज क्या कहना रहेगा? सर, मैं तो जयपुर से आया हूँ और कभी कभार आता हूँ, और यहाँ जो गवर्नमेंट सुविधाएँ दे रही है उसके वो तो बहुत अच्छी दे रही है, लेकिन यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ के जो संभाल रहे हैं काम, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इतनी गंदगी पड़ी हुई है कि अंदर घुसने का मन ही नहीं कर रहा है। बदबू आ रही है, पानी नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत गंदा रखा हुआ है, कोई रख रखाव की कोई सुविधा नहीं है। सर, आपका नाम? अजय बत्रा। थैंक यू सर।